So, dear students, in this video, let us take some examples which is related to direct variation. Like, solve example 1. Here, if P and Q in the following tables, find P and Q in the following table if X and Y vary directly. यहाँ पे वन क्वान्टिटी एक्स लिया हुआ है एक्स की वैल्यू दिया हुआ है फाइव पी टेन वाई का वैल्यू दिया है एट थर्टी टू क्यू तो दो तरह की क्वांटिटी लिया है यहाँ पे एक्स और वाई और बोला है कि अगर इसमें डायरेक्ट वेरिएशन हो एक्स और वाई में डायरेक्ट वेरिएशन हो तो पी और क्यू का वैल्यू फाइन करना है यहाँ पे पी दिया हुआ है पी का वैल्यू नहीं पता है और यहाँ पे क्यू का वैल्यू नहीं पता है सो नाउ हियर इट इज़ गिवेन दैट एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली यहाँ पर पहले लाइन में हमको मैंशन कर देना है क्वेश्चन में दिया हुआ ये हेयर इट इज गिवेन एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली सो देर फोर एक्स वाई वाई इक्वल टू के कॉन्स्टेंट ये फार्मूला होता है डायरेक्ट वेरिएशन का यहाँ पर ये यह दिया हुआ है ना कि एक्स वाई वाई इक्वल टू के सो एक्स वाई वाई इक्वल टू के का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये वैल्यू का रेशियो फाइन करेंगे एक्स वाई वाई फाइव बाई एट पी वाई थर्टी टू टेन बाई क्यू अगर हम लोग ये रेशियो फाइन करेंगे तो हर बार रेशियो क्या आएगा फिक्स आएगा एक ही आना चाहिए जैसे वो पिछले एग्जाम्पल में हम लिए थे ना चॉकलेट और ये वाला कॉस्ट वाला सो देर फोर एक्स वाई वाई इक्वल टू के ये फार्मूला हो गया डायरेक्ट वेरिएशन का सो दिस एम्प्लाइज फाइव बाई एट पहला रेशियो इक्वल टू इक्वल आना चाहिए पी वाई थर्टी टू दूसरा रेशियो इक्वल टू टेन बाई टू यहाँ पे तीन पेयर दिया हुआ है फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर थर्ड पेयर और तीनों पेयर का वैल्यू क्या आना चाहिए सेम ओके नाउ हियर लेट अस टेक फर्स्ट टू अब तीनों इक्वल है तो हम किसी को भी एक साथ ले सकते हैं तो अगर हम शुरू वाले दो रेशियो को इक्वल लेते हैं सो नाउ टेकिंग फाइव बाई एट इक्वल टू पी वाई थर्टी टू एंड बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी इंटू एट इक्वल टू फाइव इंटू थर्टी टू इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इससे हमको वैल्यू मिल जाएगा P का. यहां पी का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से में आ रहा है जैसे फाइव पी इंटू एट इक्वल टू फाइव इंटू थर्टी टू दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी इंटू एट p इंटू एट इक्वल टू फाइव इंटू थर्टी टू और जब p का वैल्यू निकालेंगे तो एट इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो यहाँ पे देखो एट डिवाइड हो गया एट वन जाट फोर जा अगर इसको काटेंगे एट से तो एट वन जाए एट एट फोर जा फोर आ जाएगा और फाइव इंटू फोर दैट इज़ ट्वेंटी तो p का वैल्यू आ गया ट्वेंटी अब हमको q का वैल्यू निकालना है तो हम किसी पेयर को और ले सकते हैं तो फाइव बाई एट इक्वल टू टेन बाई क्यू अब इस पेयर को पहला और तीसरा रेशियो इक्वल ले लेते हैं क्योंकि हमको क्यू का वैल्यू चाहिए सो अगेन टेकिंग फाइव बाई एट इक्वल टू टेन बाई क्यू और फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फ़ाइव क्यू इक्वल टू टेन इंटू एट जैसे पिछली बार किए थे हम लोग यहाँ पे। तो इससे हमको क्यू का वैल्यू आ जाएगा q इक्वल टू एट इंटू टेन डिवाइडेड बाई फाइव फाइव टू जा टू से काट देंगे फाइव से इसको तो टू आ जाएगा फाइव टू जाट टू जा सिक्सटीन तो इस तरह से अगर हमको टेबल में कोई वैल्यू फाइंड करना होगा और बोला है कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है तो इस तरह का स्टेप यहाँ पे होगा अगर हम लोग इसी के थ्रू वर्कशीट वन का पहला क्वेश्चन देखते हैं जैसे यहाँ पे बोला है फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट वन का फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली पिछले सॉल्व एग्जाम्पल जैसे हो गया उसमें यहाँ पी क्यू आर लिया था तो हम भी यहाँ पी क्यू आर ले सकते हैं और इसमें किस तरह का वेरिएशन है डायरेक्ट वेरिएशन ये क्वेश्चन में दे दिया पहले से ही कि इफ देर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन तो इसका स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पी ले ले क्यू ले, ले आर पी क्यू आर मिसिंग वैल्यू यहाँ पे मिस किया हुआ नहीं दिया कुछ अननोन है सो फॉर द डायरेक्ट वेरिएशन एक्स वाई वाई इक्वल टू के क्वेश्चन में बोला डायरेक्ट वेरिएशन है तो उस पहले इसका फॉर्मूला एक्स वाई वाई इक्वल टू के अब एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई हर बार हमको सबका रेशियो निकालना है तो यहाँ पे फोर रेशियो होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा तो हम एक एक करके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं देर फोर सिक्स बाई एट इक्वल टू एट बाई पी इक्वल टू ट्वेल्व बाई क्यू इक्वल टू आर बाई सी थ्री चारों रेशियो को यहाँ पे इक्वल ले लिए अब दो दो का पेयर लेना है एक बार में सोनाटस ते सिक्स बाई एटीन इक्वल टू एट बाई पी फर्स्ट रेशियो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स इंटू पी इक्वल टू एट इंटू एटीन एंड देन पी का वैल्यू निकालेंगे तो पी इक्वल टू सिक्स को इधर ला के क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे ठीक है एंड देन सिक्स थ्री जा सिक्स इसको काटेंगे तो अपने से यहाँ पे काट लेना इसको सिक्स तो थ्री जा एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर ऐसे ही आप दूसरा पेयर ले लेंगे मान लीजिए सिक्स बाई एटीन और ट्वेल्व बाई क्यू को ले लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड को ये फर्स्ट एंड थर्ड फिर वही सेम स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देन क्यू इक्वल टू डिडेड बाई सिक्स तो सिक्स टू जा सिक्स काटेंगे यहाँ पे चाहे किसी को भी काट देंगे एटीन को भी काट सकते हैं इसको भी तो आंसर आ जाएगा थर्टी सिक्स सिमिलरली हम लोग लास्ट पेयर ले लेंगे आर वाई सिक्सटी थ्री और ये सिक्स बाई एटीन तो इसी तरह से हमको यहाँ पे आर का वैल्यू मिल जाएगा तो विद हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट यू कैन सॉल्व रिमेनिंग टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे भी ऐसे मिसिंग वैल्यू दिया हुआ है तो कुछ भी पी क्यू आर यहाँ पे लेके इसको सॉल्व कर देना है एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल टू दिया इसको भी थोड़ा समझना है वेरीफाई वेदर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली इफ सो फाइन के यहाँ बोला है कि आपको वेरीफाई करना है फर्स्ट क्वेश्चन में तो बोला था डायरेक्ट वेरिएशन है यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है और अगर है तो के कितना है कांस्टेंट कितना होगा इसका स्टेप भी थोड़ा समझ लिया जाए हियर डायरेक्ट वेरिएशन बताने के लिए हम लोग फाइंड करने के लिए क्या दिखाते हैं डिवीजन रेशियो तो पहले फर्स्ट टू का रेशियो ले, ले लेते हैं हम लोग वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई सो ये फर्स्ट रेशियो टू बाई सिक्स इक्वल टू टू वन जा टू थ्री जा काट देंगे तो इसका रेशियो आ गया वन बाई थ्री फिर सेकेंड का रेशियो थ्री बाई नाइन फिर काटेंगे दैट इज़ थ्री वन जा थ्री थ्री जा वन बाय थ्री फर्स्ट टू रेशियो का तो वैल्यू के सेम आ रहा है वन बाई थ्री वन बाई थ्री के क्या होता है जो रेशियो आता है तो यहाँ पे रेशियो कितना है वन बाई थ्री इसका भी वैल्यू वन बाई थ्री आया अब एक पेयर इसमें और निकालते हैं तीसरा पेयर होगा फाइव रेशियो सेवनटीन बट फाइव और सेवनटीन तो नहीं कटेगा अगर फाइव बाई सेवनटीन का हम लोग वैल्यू निकालेंगे जैसे यहाँ पे बट फाइव बाई सेवनटीन इज नॉट इक्वल टू वन बाई थ्री क्योंकि फाइव से तो सेवनटीन कटेगा ही नहीं प्राइम नंबर है दोनों तो पहले दो रेशियो का वैल्यू आया था वन बाई थ्री तीसरे का वैल्यू वन बाई थ्री नहीं आया इसी तरह से फोर्थ पेयर का भी वैल्यू वन बाई थ्री नॉट इक्वल टू ये नॉट इक्वल का सिंबल है नॉट इक्वल टू वन बाय थ्री तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फर्स्ट टू रेशियो का वैल्यू कितना आया था वन बाई थ्री और लास्ट टू रेशियो का वैल्यू कितना आया वन बाई थ्री नहीं आया इसका मतलब कि जो k है जो कांस्टेंट है वो सेम नहीं है राइट सो इट मीन्स कि देर फोर एक्स एंड वाई डू नॉट वेरी डायरेक्टली मतलब यहाँ दो तरह का क्वेश्चन हो गया अगर डायरेक्ट वेरिएशन दिया है तो हम तो रेशियो को k के कांस्टेंट लेके चलेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वल टू पर यहाँ क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि वेरीफाई वेरीफाई करना मतलब चेक करना तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन में है रेशियो निकालते जाएंगे अगर रेशियो सेम आएगा तो आंसर यस yes होगा और अगर रेशियो सेम नहीं आएगा तो आंसर नो no होगा नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट सम वर्ड प्रॉब्लम्स एंड देयर स्टेप्स दीज क्वेश्चन